हेलो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मेरे प्यारे दोस्तों, AGIS में आपका स्वागत है। चला चांद की ओर, चला चांद की ओर। हरिकोटा से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित हुआ चंद्रयान 2, चंद्रयान 2 ऐतिहासिक कामयाबी है ये हमारी। चंद्रयान 2 के साथ रूस, अमेरिका और चीन के बाद चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला चौथा देश बन गया जाएगा भारत। यह चंद्रयान चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में उतरेगा, जहां अभी तक कोई देश नहीं पहुंच पाया है। चांद के अनसुलझे रहस्य जानने में लगेगी मदद। कैसे है दक्षिणी ध्रुव? इसरो के अनुसार चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुव रोचक जगह है, जहां उत्तरी ध्रुव के विपरीत अंधकार छाया रहता है। एजेंसी ने कहा कि वहां स्थायी रूप से अंधकार में रहने वाले क्षेत्रों में पानी की मौजूदगी की संभावना है। दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में गड्ढों में काफी ठंडा तापमान है और वहां पूर्व की सौर प्रणाली के जीवाश्म रिकॉर्ड हैं। चंद्रमा 2 कब और कहां? ये जो मेरा सोर्स है, राष्ट्रीय सहारा से मैंने लिया है। चंद्रमा 2 कब और कहां? 23 जुलाई 2019 को अपराह्न 2:43 पर बाहुबली रॉकेट GSLV के Mark 3 के जरिए सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित। प्रक्षेपण के करीब 16 मिनट बाद पृथ्वी के कक्षा में GSLV Mark 3 M1 ने सफलतापूर्वक स्थापित किया पहला चरण पूरा। पहले 23 दिन पृथ्वी की कक्षा में रहने के बाद चंद्रयान को चंद्रमा की कक्षा में स्थानांतरित करने वाले वक्र पथ पर डाला गया। 23वें दिन वह चंद्रमा की कक्षा में पहुंच जाएगा। 30वें दिन वह चंद्रमा की कक्षा में पहुंच जाएगा। वहां अगले 13 दिन तक चंद्रयान चंद्रमा की सतह से 100 किलोमीटर की ऊंचाई वाली कक्षा में चक्कर लगाएगा। 43वें दिन लैंडर चंद्रमा की सतह पर उतरने के लिए ऑर्बिटर से अलग हो जाएगा, जबकि ऑर्बिटर उसी कक्षा में चक्कर लगाता रहेगा। और 44वें दिन लैंडर की गति कम की जाएगी और 48वें दिन चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर मैन जीनस सी और सिंपेलियस एनक्रॉटर के बीच उतरेगा। चंद्रमा पर क्या करेगा चंद्रयान दो? चंद्रमा पर पानी की मात्रा का अनुमान लगाना, उसके जमीन, उसमें मौजूद खनिजों और रसायनों तथा उनके वितरण का अध्ययन करेगा, उसकी भूकंपीय गतिविधियों का अध्ययन और चंद्रमा के बाहरी वातावरण की ताप भौतिकी गुणों का विश्लेषण। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी NASA का एक पैसिव पेलोड भी इस मिशन का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य पृथ्वी और चंद्रमा की सटीक दूरी पता लगाना है। ऑर्बिटर चंद्रमा की सतह का निरीक्षण करेगा और पृथ्वी तथा चंद्रयान 2 के लैंडर विक्रम के बीच संकेत प्रसारित करेगा। 8 वैज्ञानिक प्रयोगों के साथ ऑर्बिटर 1 वर्ष की अवधि के लिए अपने मिशन को जारी रखेगा। और इस चंद्रयान में खास क्या है? नंबर 1, स्वदेशी तकनीक से निर्मित चंद्रयान 2 में कुल 14 पेलोड, 8 ऑर्बिटर में 4 पेलोड लैंडर विक्रम और 2 पेलोड रोवर प्रज्ञान है। 3,850 किलोमीटर वजन है चंद्रयान 2 का। लागत 978 करोड़ रुपए। लैंडर विक्रम का नाम डॉक्टर विक्रम साराभाई के नाम पर रखा गया है। इसे चंद्रमा की सतह पर भारत की पहली सफल लैंडिंग के लिए डिजाइन किया गया है। करीब 14 दिन तक आंकड़े जुटाने का काम करेगा। और तीसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 27 किलोग्राम वजनी प्रज्ञान का मतलब संस्कृत में बुद्धिमता है। प्रज्ञान नाम का रोवर कृत्रिम बुद्धिमता संचालित 6 पहिया वाहन है। मैं रत्नभूषण, द ग्रेट भारत, द ग्रेट पीपल, ASGIS की तरफ से सत सत नमन करता हूँ इस चंद्रमा चंद्रयान को।